हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड आज के दिन में काफी सारी कंपनी के रिजल्ट आई वर्ल्डपूल के रिजल्ट अभी हमने फाइनली देखे हैं ओके और इसका टारगेट भी मैंने यहाँ पर टेक्निकल टारगेट जो आ रहा है वो यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से टार्ग, टेक्निकल टारगेट और हमने ये शेयर आपको बहुत नीचे लेवल पर बताया था और आज अच्छा खासा प्रॉफिट टेन का होता हुआ दिखाई दिया है विद इन ट्वेंटी डेज तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा साथ में दूसरी वीडियोज भी दे रखी है उस वीडियो को जाके देखिएगा कल की डेट में काफी सारे वीडियोज आई है उन्हें देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में आपकी सहूलियत के हिसाब से वीडियो बना रखी है अगर आप नए हैं तो यहाँ पर फोर्ट बिगनर है क्यू फोर के रिजल्ट देखने हैं यहाँ मिल जाएंगे ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो हमने अभी तक पकड़े हैं और अगर आप बात करें आ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपका टेन डीमेट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आ, अभी इससे अगली वीडियो जो आने वाली है एक ऐसी वीडियो बनाने वाले जिसमें कुछ शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और उन कंपनी में इन्वेस्ट करके आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ सिक्स मंथ में अच्छा खासा रिटर्न आप, आपको मिल जाएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है सिंपली आपको अपनी स्टडी के हिसाब से ही हमेशा सीखना है और आपको सीख के इंप्लीमेंट करना है तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा तो आइए वीडियो की तरफ यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं लेतेज माई ट्रिप ईजी माई ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है डॉट कॉम तो अभी ही यहां पर इसका आई पी ओ आता हुआ दिखाई दिया था ये बहुत ज्यादा शेयर चल चुका है तो अभी इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना रिजल्ट चाहे कैसे भी हो क्योंकि ऑलरेडी इसने वन नाइनटी वन नाइनटी से लेके बहुत बेहतरीन जंप लगाई है यहाँ पर अगर बात करें फोर के आसपास शेयर चल रहा है मैंने भी मैंने भी नीचे लिया था और दोबारा बेच दिया था तो आइए बात कर लेते हैं तो so, डिविडेंट दिया होगा तो प्लीज यहाँ पर बताइएगा लंबी हो जाएगी तो हम यहाँ पर सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएंगे तो यहाँ देख लीजिए इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है और ये इस बार के रिजल्ट है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल इनकम की तो याद देख लीजिए छह सौ बनवे सिक्स नाइन्टी टू मिलियनसी रुपीज का यहां पर इनकम है इससे पहले फोर सेवेंटी वन था इससे पहले फोर जीरो थ्री था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने इनकम में काफी जंप लगाई है अच्छी बात है टोटल एक्सपेंस की बात करें टू सेवेंटी uh, वन मिलियनसी से रुपीज से पहले वन एटी टू इससे पहले थ्री फिफ्टी मिलियन तो ईयरली बेस पे एक्सपेंस भी कम हुआ है बट क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ा है और बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड थी कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इसी वजह से शेयर भाग भी रहा था शायद किसी को इन साइड न्यूज थी तो बात करें तीन सौ चार

की जरूरत नहीं है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक अगर तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेढ़ तो पर पर रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है यहाँ पर और भी कुछ चीजें यहाँ पर देखते हैं और थोड़ा नीचे जाते हैं इनके रिजल्ट से रिजल्ट देने रखे कोई नहीं यहाँ पर गलती से ये ले लिया है इसे छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्पेंसर स्पेंसर आपको पता ही है एक बड़ा शोरूम भी है और यहाँ पर अगर इनके रिजल्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं डिविडेंड दिया होगा तो प्लीज बताइएगा नीचे क्योंकि हम सीधे रिजल्ट देख रहे हो बाकी यहाँ पर मुझे लगता नहीं है डिविडेंड दिया होगा इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें फाइव थर्टी नाइन करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम इस बार की इससे इससे पहले 598 था, इस पहले था ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर इनकम में यहाँ पर गिरावट है टोटल एक्सपेंस की बात करें फिर फाइव सिक्सटी थ्री करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस इस बार हुआ इससे पहले छह सौ उन्नीस था इससे पहले फाइव एटी नाइन था तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छी बात है बट स्टिल अगर बात करें टोटल टोटल इनकम से ज़्यादा पर 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 एक्सपेंस होते हैं हैं दिखाई दिया मतलब नेगेटिव में यहाँ पर रिजल्ट आएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर देख लेते हैं, का लॉस था, था तो इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए नेगेटिव में दे रखा। तो से दूर रही है, as well as बात करते है रिन्यूएबल टैक रिन्यूएबल यहाँ पर कंपनी नजर आ रही है यहाँ पर अब अगर बात करें एक रुपए का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है और इसके रिजल्ट के लिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर इसके रिजल्ट भी मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है ओके सेम सेम पैटर्न में यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें 584, uh, रुपीस का पर इनकम है इस बार की इससे इससे पहले 40 था, इस पहले था तो ईयरली क्वार्टरली बेस इनकम में काफी जंप है पर इस चीज को याद रखिए इसके अलावा बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की तो टोटल सॉरी टोटल एक्सपेंस की बात करें फाइव सिक्सटी सेवन लैक्स एंड रुपीज का एक्सपेंस है सिक्स लैस का इससे पहले फोर लैक्स का यहाँ पर एक्सपेंस है तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर देखिए बारह लाख का बारह लाख का प्रॉफिट इससे पहले पांच लाख का था इससे पहले अठारह लाख का प्रॉफिट था तो क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है प्रॉफिट में बट इयरली बेस में पर प्रॉफिट में गिरावट है जो कि ईपीएस भी बता देगा इससे पहले एक एक रुपए चौबीस पैसे का इस बार का था इस बार इससे पहले अट्ठावन पैसे का था पहले एक रुपए बयासी पैसे का था तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए काइंटैक यहाँ पर शेयर शायद छोटा ही शेयर होगा बात करते हैं जुबिलेंट फूड डोमिनोज पिज्जा जो आपको हट हाँ डोनट्स के नाम से यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलते हैं यहाँ पर बात करें छह रुपए का यहाँ पर डिविडेंट कंपनी ने अनाउंस किया है शेयर के इसके रिजल्ट कुछ खास नहीं आए थे ईयरली बेसिस पे अच्छे क्वार्टरली बेस पे अच्छे नहीं थे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए थे रिजल्ट अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट थे तो अगर यहाँ पर देखते टोटल इनकम तो वन लाख थ्री थाउजेंड सिक्स एटी फोर लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम है इससे पहले वन लाख सेवन थाउजेंड था इससे पहले नाइन्टी वन थाउजेंड था तो ईयरली बेस पे यहाँ पर इनकम में जंप है क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट है और बात करें टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पर एटी नाइन नाइन फिफ्टी टू लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस है इससे पहले नाइन्टी थाउजेंड था इससे पहले एटी सिक्स थाउजेंड का एक्सपेंस था तो एक्सपेंस ईयरली बेस बढ़ा है क्वार्टरली बेस फीस पर यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया या फ्लैट भी कह सकते हैं और बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की टैक्स एंड ऑल देने के बाद तो यहाँ पर टेन थाउजेंड फोर ट्वेंटी का प्रॉफिट है से पहले 12,000 था इससे पहले टू था तो ईयरली बेस पर जैसे कि मैंने कहा है लगभग फाइव टाइम्स यहाँ पर uh, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली बेसिस यहां पर यहाँ uh, पर गिरावट नजर आ रही है बट uh, ये शेयर गिरता हुआ नजर आया जस्ट बिकॉज uh, यहाँ पर स्ट्रीट को स्ट्रीट को इसने जो इसके स्ट्रीट में uh, इसकी uh, अनुमान थे मतलब वो से बीट नहीं किया ओके okay, जो एक्सपेक्टेशन थी उसे बीट नहीं किया दिस इज द रीजन कि यहाँ पर शेयर आज गिरता हुआ दिखाई दिया अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ईपीएस की सात रुपए नब्बे पैसे का ईपीएस इस बार का है इससे पहले नौ रुपए अड़तालीस पैसे का था इससे पहले एक रुपए उनसठ पैसे का ईपीएस था ईयरली बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा है बट क्वार्टरली बेस बेसिस बेकार है बट लॉन्ग टर्म पर्पज से यहाँ पर इस, इस कंपनी के साथ जुबली फूड के साथ बने रह सकते हैं काफी बेहतरीन स्टॉक है As well as, बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी है गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड यहाँ पर अगर हम बात करें आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई डिविडेंड हाँ, यहाँ पर दिया है तीन रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है और अगर यहाँ पर बात करते हैं इन, इनके रिजल्ट की सॉरी तो इन uh, लैक्स में यहाँ पर इसके रिजल्ट है ये इस बार के रिजल्ट है तो ईयरली बेसन्यू में गिरावट है और क्वार्टरली बेसिस गिरावट है एक्सपेंस की बात करते हैं तो सेवन सेवन लैक्स एंड रुपीज का एक्सपेंस है एट टेन था इससे पहले इलेवन सिक्सटी सेवन ईयरली क्वार्टरली बेस पर गिरावट है अच्छी बात है अगर बात करते हैं इसका ईपीएस दो रुपए तेरह पैसे का ईपीएस दो रुपए चौहत्तर पैसे का था इससे पहले एक रुपए सत्तर पैसे का यहाँ पर ईपीएस नजर आता था तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं गुजरात इंटेक्स वेल इस बात करे कैप्टन पॉलिट प्लास्ट यहाँ पर एक कंपनी और है इसके भी रिजल्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी ने चार पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके रिजल्ट से रिलेटेड पर देख सकते हैं इन लेस में यहां पर रिजल्ट है आ, टोटल रिवेन्यू की बात करें सिक्स थाउजेंड फोर एटी टू लेक्स इन रुपीज का रिवेन्यू है इससे थ्री थाउजेंड नाइन नाइनटी थाउजेंड ट्वेल्व था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है टोटल एक्सपेंस की बात करें सिक्स थाउजेंड वन जीरो वन है इससे पहले थर्टी सेवन हंड्रेड था इससे पहले फोर्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास लैक्स इन रुपीज में यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया था जो कि इयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं टू 58 लाख से रुपीस का प्रॉफिट है इससे पहले 177 लाख से रुपीस का प्रॉफिट था इससे पहले 295 लाख से रुपीस था तो ईयरली बेस पे प्रॉफिट में गिरावट है बट क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर प्रॉफिट में जंप है ईपीएस भी देख लीजिए 51 पैसे का ईपीएस है इससे पहले 35 का था इस पैसे का इससे पहले 58 पैसे का ईपीएस यहां पर नजर आता था तो इस कंपनी की तरफ भी नजरें बना के रखिए कैप्टन पॉलीप्लास्ट और अगर बात करें जूबलैंड के अच्छे नंबर है गुजरात इंडक्स की तरफ इंट्रक्स की तरफ नजर बना के रख सकते हैं तो ये कुछ चुनिंदा कंपनी थी इसके अलावा एच ने भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर सकता है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाईस तारीख को आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाईस तारीख को या फिर अट्ठारह तारीख को कुछ उनकी मीटिंग है उसमें वो अनाउंस करेंगे बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और आगे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक से रिले बातें करूंगा जो अच्छा खासा रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकता है सो थैंक Thank you so much. God bless.